आयुष। और गाइस आज मैं आया हूँ अपनी कार की सिरेमिक कोटिंग की मेंटेनेंस कराने के लिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया था और है ना गाड़ी मेरी काफी ज्यादा कुछ हल्के फुल्के स्क्रैचेस भी आ गए हैं और मैंने सोचा कि स्क्रैचेस को हटवाना है और उसके बाद में भाई गाड़ी बिल्कुल डल सी भी लग रही है थोड़ी, तो इस पर काम करा लेते हैं। तो मैं आया हूँ वापस से भाई सिरेमिक कोट वालों के पास में और इनसे पूछेंगे भाई सिरेमिक कोट में मतलब ये मेंटेनेंस में क्या क्या करते हैं और उसके हिसाब से मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो के अंदर कि इसके अंदर कुछ खर्चा होता है नहीं होता और वापस से मतलब धोने पे देखो शाइन तो आ जाएगी लेकिन गंदी हो रखी है इसलिए शाइन कम हो रखी है और मेरी गाड़ी कुछ स्क्रैच आ गया तो देखेंगे यार वो स्क्रैच सिरेमिक मेंटेनेंस में चले जाते हैं क्या। बस बस आप देख सकते हो कि भाई इन्होंने यहाँ पे सिर्फ अभी एक हल्का सा काम किया है उसमें और जो पुराना था इसमें आप देख सकते हो ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और इस पे अगर आप पास जाके देखोगे तो ये हल्के हल्के से ये रिंकल्स से पड़ गए हैं, आई डोंट नो ये कैसे हुए, लेकिन इस कार का मैंने ना यहाँ पर थोड़ा सा कुछ स्क्रैच क्रैच थे तो मैंने ना गो मैकेनिक के थ्रू इस फेंडर को पेंट होने के लिए दिया था और जब मैंने इसको पेंट होने के लिए दिया तो उस टाइम मेरे को ये सब नोटिस नहीं हुआ, लेकिन भैया बता रहे हैं कि हुआ ऐसा कुछ हुआ होगा कि जब मैंने इसका फेंडर पेंट होने के लिए दिया वो राइट वाला तब उस टाइम पे वो भाई ने खुले ने पेंट किया होगा वहाँ के मैकेनिक ने और उसकी वजह से जो थोड़ा थोड़ा जो कलर होता है जो एयर में छोटे छोटे उड़ के और वो पूरी कार के ऊपर आ जाता है तो पीछे भी कुछ इस तरह के ये रिंकल विंकल्स हल्के हल्के से मतलब स्क्रैचेज हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट जो एक इसका भैया बता रहे हैं कि मतलब इन्होंने फिर भी इतना फ़र्क ला दिया है भाई मेंटेनेंस के अंदर, आप देख सकते हो ड्रास्टिक, मैं तो कहूँगा ड्रास्टिक फर्क, कह रहे हैं भैया इससे ही बेटर ये हो जाएगा। तो अभी है ना मतलब आज मैंने दिन में गाड़ी दी थी और भैया का भी मेरे पास शाम को ही फ़ोन आया कि बोले एक बार आप आ जाओ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप एक बार आके चेक कर लो कि भाई ये आपकी कार की हालत हो रखी, क्योंकि है ना ये नॉर्मल लाइटिंग में दिखता नहीं है भाई, यहाँ पर जो ये लाइटिंग होती है इसके अंदर ये दिख जाते हैं जो भी स्पॉट्स और जो भी स्क्रैचेज हो रखे हैं। ये तो अच्छा है मैंने सिरेमिक कोट करा रखा था इसके वजह से ये सारी चीज़ें जो भी ये हैं ये हट के 99% कम हो जाएंगे, बट अगर सिरेमिक कोट नहीं होता तो हो सकता है ये बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो भाई आज करीब दो दिन बाद में मेरे को मेरी कार वापस में लेने के लिए आया हूँ और इस पे जो काम हुआ है भाई आप देख सकते हो ये नई सेल्टॉस है जो कि धनतेरस को लिए भाई किसी ने और ये अपनी वरना है जिसको 8 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम कोई फर्क नहीं, बिल्कुल नई की नहीं लग रही है और इसके ऊपर जो स्पॉट्स आ गए थे जो पेंट के स्पॉट्स थे छोटे छोटे वो भी भैया ने सारे रिमूव कर दिए, कुछ रहे हैं बहुत माइनर से लेकिन 98% करीब वो सारे छत पे थे और जो पूरे पीछे की तरफ थे ये सारे इन्होंने हटा दिए हैं और बिल्कुल एकदम पहले की जैसी गाड़ी की नई शाइन आ गई है। तो अब एक बार भैया को ले लेते हैं साथ में फ्रेम में और भैया से थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि भैया इसमें मतलब क्या स्टेप आप अपनाते हो जिसकी वजह से ये होता है। इसकी सब कंडीशन आई थी पहले हमारे पास तो ये बहुत ड्राई थी, इस पार्ट से पूरा पेंट था, इस पार्ट से पेंट था, हमने इसको दोबारा से पहले फॉर्म वॉल्स दी देन स्टीम वॉल्स दी, दोबारा से सारे हमने इसका प्रोसेस स्टार्ट किया, लाइफ स्टाइल पर अपना रिफ्लेक्शन हमने यूज़ किया उसमें, देन परफेक्शन यूज़ किया, देन फ्री कोड यूज़ किया, देन हमने इसको 2 दिन के लिए अपने पास रखी गाड़ी, दोबारा से हमने उसको रेक्टिफाई की सारी चीज़ें छोटी छोटी जो होती थी, देन हमने उसको दोबारा रिकोड किया, रिकोड से क्या हुआ, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी शाइनिंग मेंटेन हो गई, सेकेंडली जो उसकी जो आप देखें ना ये जो ग्लॉशी कलर देख रहे हैं आपकी सर्फेस पे, सो ये आपकी जो है एटलीस्ट 5 ईयर तक वेल मेंटेन रहेगी, तो इसमें अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जो उसकी वॉशिंग रहेगी वो हर 3 महीने में एक बजे को मेरे पास आने पड़ेगी। तो इस और इसके ऊपर जैसे भी कुछ एरिया के ऊपर है ना बहुत ज्यादा निशान हो गए थे जिसकी वजह से मतलब उनको रिमूव करने के चक्कर में आप कह रहे थे कि वहां से सिरेमिक अपनी रिमूव हो गई क्योंकि हमने बहुत ज्यादा उसका हाथ मारा क्योंकि वो हट नहीं रहते ऑलरेडी, ये वाले पार्ट पे सिरेमिक हमने दोबारा से वापस सिरेमिक हुई है, एक ये वाला पार्ट था आपका, और दोनों तो फेंडर हुए और आगे का हुआ है और ये हुआ है और पीछे के दोनों ही गेट्स में क्योंकि इन पे बहुत सारे वो पेंट के निशान हो गए थे। ओके ओके, ताकि ये पेंट को हट ना करे तो हमने इसलिए इसको दोबारा से रिकोट करा और भैया से मतलब मैंने ना इसकी अंदर से पूरा ड्राई क्लीन भी करवा ली थी तो एकदम फील तो अब एकदम वही आ रहा है कि बिल्कुल Hyundai के शोरूम से गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने इतना अच्छे से काम करके दिया। और भाई अगर आप भी ब्लैक कलर की या कोई सी भी कलर की कार ले रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कार अच्छे से मेंटेन रहे लंबे टाइम तक तो आप डेफिनेटली डिटेलिंग डेविल्स जयपुर में, मैं पूरी एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, आप भी यहां पे आ सकते हैं और भैया से मिल सकते हैं। और भाई इस तरह कुछ काम रहा तो और इसका अपना खर्चा ऑल ओवर कितने का बैठ गया होगा? सर ये दोबारा से सारी चीज़ें हुई हैं तो इसमें अप्रोक्स जो हमने एस्टीमेट निकाला है वो 5500 के आसपास का है दोबारा से, तो मतलब बिटवीन 5500 से 6000 के बीच, 6000 तक का मान लेते हैं, 6000 तक का बैठ गया है।
तो भाई इतना सारा काम इन्होंने करके दिया और दो दिन तक गाड़ी रखी और इन्होंने को उस रिगार्डिंग वीडियो भी फॉरवर्ड करी कि भाई आपकी गाड़ी पे ऐसा काम हो रहा है। और मैंने देखा भैया ने बहुत अच्छे से बहुत दिल से काम किया इस गाड़ी के ऊपर, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आप भी भाई आ सकते हैं आपके और आपकी कार का मेंटेन करा सकते हैं। तो ये कुछ एक वीडियो थी डिटेल में सिरेमिक की मेंटेनेंस से लेकर, और काम बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।